लाइव सिटीज के एजुकेशन कॉर्नर में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको देते हैं एजुकेशन और जॉब से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारियाँ। तो पहले देखें और फिर कमेंट बॉक्स में बताएं यह आपको कैसा लगा। साथ ही इसे रोज देखने के लिए लाइव सिटीज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्व और भू सुधार विभाग में होंगी 31,000 भर्तियां। बिहार में राजस्व और भू सुधार विभाग में बंपर भर्तियां होने वाली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन दाखिल खारिज ऑनलाइन लगान भुगतान के उद्घाटन समारोह में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधित काम अपडेट किया जा रहा है, लेकिन विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की कमी है, इसलिए विभाग में 31,290 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक, अमीन लिपिक, कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कई पद शामिल हैं। लोक वित्त समिति द्वारा इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। विधानसभा में 101 पदों के लिए आज से करें आवेदन। बिहार विधानसभा में 101 पदों पर बहाली निकाली गई है। अभ्यर्थी आज से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। बता दें कि सहायक, शोध सहायक, पुस्तकालय सहायक, उर्दू सहायक, हिंदी अंग्रेजी अनुवादक और लिपिक के पदों पर नियुक्तियां होनी है। बिहार बोर्ड ने रद्द की 28 और स्कूलों की मान्यता। बिहार बोर्ड ने राज्य के 28 और स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। मानक पूरा नहीं करने के कारण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। वहीं दो स्कूलों को बोर्ड ने राहत भी दी है, जिसके बाद अभी तक 78 स्कूल कॉलेजों की मान्यता रद्द की जा चुकी है। कंप्यूटर लिटरेसी क्लास 11 अक्टूबर से। अरविंद महिला कॉलेज में 11 अक्टूबर से कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम होगा। ये क्लास नए सत्र की छात्राओं के लिए शुरू होगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में छात्राओं को कंप्यूटर संबंधी जानकारियां दी जाएंगी। CBSE ने जारी की परीक्षा के विषयों की सूची। CBSE द्वारा फरवरी में 10वीं और 12वीं के वोकेशनल विषयों की परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड ने इसके संबंधित विषयों की घोषणा कर दी है। बोर्ड की ओर से बताया गया कि वोकेशनल विषयों की परीक्षा फरवरी में और कोर विषयों की परीक्षा मार्च में होगी। CBSE ने इससे संबंधित सभी विषयों की सूची जारी कर दी है, जिसे बोर्ड के वेबसाइट पर देखा जा सकता है।